स्क्रोलिंग करते हुए नजर पड़ी मेरी इस वीडियो पे, जिसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मैं पहुंच गई फास्ट फूड कॉर्नर जो के है हुसैनाबाद पे। तो यहाँ पे एज यूजुअल सबसे पहले आयजा ने मेन्यू पकड़ लिया और वो डिसाइड कर रही थी उनको क्या खाना है। बट मैं ऑलरेडी ताड़ कर आई थी कि मुझे क्या लेना है यहाँ पर, और हमें लेनी थी जी ये वाली डील जो कि थी 1650 रुपए में। जी हाँ, 1650 में आपको मिल रहे थे 2 डबल डेकर बर्गर, क्रिस्पी सैंडविच, 2 चिकन बर्गर्स और फ्राइज। फ्राइज कोई मामूली नहीं थे भाई, बड़े लोडेड फ्राइज थे। निशान के मुंह में तो पहले ही पानी आ गया था और अयान को समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये सब कुछ खाएंगे कैसे। और यहाँ हमेशा की तरह आयता की पड़ गई थी डांट। और हमारी गाड़ी की चाबी लाजमी खोती है, तो इसलिए मैंने कहा चलो बैग पर अटैच कर देते हैं इसको। और निशान कुक को बोल के आ गए थे कि जैसा हमें टिकटॉक पे देखा है बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। मम्मा बाजू में बाजू मामा दिलिशा आयजा जल्दी आओ, क्या हुआ मेरी बेटी को, क्या हुआ? पापा ने डांटा। डांटा? तुम्हारी हकीकत भी तो ऐसी है ना। चलो बस अब नहीं रोना, ठीक है? बैठती नहीं है ना, इसकी कौन सही है, इसकी डांट पड़ती है, इसकी देखने चले फायरवर्क्स देख लो। देखो ये हो रहे, हो रहे ऐसी तो हो रहे। ये भी आ गई। फिर जैसे ही प्लेट्स आई तो तसल्ली हो गई कि हाँ भाई अब खाना आने वाला है। अभी नहीं खाओ, पहले खाना खाना उसके बाद खाना। इधर वेट वेट, हाँ सब आपके, सब तुम आ रहे हैं यार, खाते रहना। मुझे यार नुजा बेटा अभी। सब तुम आ रहे हैं, सब आप खाना। अभी नहीं करो, अभी मत खाओ यार, मत खाओ तुम लोग अभी, प्लीज़ थोड़ा रुक जाओ, पहले मुझे वीडियो बनाने दो। तो यहाँ सब वेट कर रहे थे कि जब ये वीडियो बनाएं तो हम खाएं, अब ये काम भी तो ज़रूरी है ना भाई। तो यहाँ मैं चेक कर रही थी कि जो जो इन्होंने डील में दिखाया था वो सब कुछ मौजूद है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ बर्गर थे डबल डेकर, वो सब इसमें मौजूद थी चीज़ वगैरह। और यार जैसा देखा था वैसे ही पाया, मतलब कि इतना जूसी, इतना सॉसी, इतने मज़ेदार। इसके सॉसी फ्राइज और इसका जो बर्गर था ना डबल डेकर, खत्म था। से काटने आई तो पूरा बह रहा है इसमें से। हो गया, इस तुम ये वाला खाओ, वन पीस ये वाला खाओ, ठीक है? आयजा ये लो ना बेटा, आप कौन दे दो पहले सबसे पहले। ये लो आयजा की प्लेट हो गई, एक सैंडविच हो गया आयजा का, ठीक है? और फ्राइज तो ये रहे, ठीक है? चलो खा लो तुम पहले, ठीक है? आप खाएं, स्टार्ट करें। मैं तो कर रहा हूं, खाओ। कर लो कर दी मैंने, इसकी कर लो। मेरा हाथ तो फ्राइज से नहीं हट रहा, मुझे बता रहे यार डाल लो। तो ये कौन खाए? चीज़ तो बढ़िया है। आयजा कैसा है भाई? इतना खाने के बाद भी थोड़ा बहुत ये बच गया और अभी भी ये बच गया है, ये बच गया है। तो बस समझो यानी कि हम कल भी खाएंगे और आज रात को भी खाएंगे, समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जब आपने हाथ में उठा ही लिया था तो डायरेक्ट खा ले जी, हाथ से पकड़ के फिर
कांटे में लगा के और फिर खा रही हो। बेवकूफ लड़की है, बहुत बेवकूफ। इसे इसके हाथ साफ कर दो, इसके मुंह और हाथ। इसको आइसक्रीम नहीं मिलेगी अब। बर्गर नहीं खाया ना आपने, आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। यहाँ बर्गर से फ्री होने के बाद जब हम बाहर निकले तो इतना रश था पूरी रोड पे, और हमारी नज़र पड़ी एक पान की शॉप पे जिसको देख के हमसे रहा नहीं गया। तो मैंने ट्राई किया यहाँ पे फायर पान। फायर पान में एज सच स्पेशल तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ उसकी छालियाँ जो है इतनी गर्म हो चुकी थी फायर से कि मेरे दांत जल गए। अब क्योंकि मैं पान खा चुकी थी तो बच्चों को मैंने पान नहीं खिलाया था और वो भी ज़िद कर रहे थे पान खाने की, तो फिर मैंने कहा चलो तुम आइसक्रीम खा लो। तो बच्चों को दिलाई कराची आइसक्रीम की फेमस आइसक्रीम, ये थी बिग कोन और जिसके प्राइस थे 130 रुपीज़। और बच्चे पूछ रहे थे कि मम्मा आपसे दो क्यों ले रही हैं, आप नहीं खाएंगी क्या? तो मुझे एज सच कुछ आइसक्रीम वगैरह पसंद नहीं है, तो बस मैंने तो ट्राई करने के लिए बच्चों की थोड़ी बहुत खा ली थी। तो ये था हमारा आज का डे आउट, और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।